स्वागत है आपका सुबह के राम राम। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और अगले एक घंटे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। तो सुबह के राम राम में आप सभी का स्वागत है और रफ्तार से खबरें आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा एक व्यक्ति या विचारधारा देश को बना या तोड़ नहीं सकते, अच्छे देशों में सभी तरीके के विचार होते हैं। बेंगलुरु में होने वाली एससीओ बैठक में पाकिस्तान का डेलीगेशन लेगा हिस्सा, 15 से 17 फरवरी तक होगी एससीओ की बैठक। जी मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा सनातन धर्म पर नहीं है कोई संकट, हिंदू समाज हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री का जवाब, कहा हम किसी को भस्म नहीं करते बल्कि शिक्षा देते हैं। जोशी मठ को लेकर आज राज्य कैबिनेट में रखी जाएगी रिपोर्ट, अब तक 8 एजेंसियां कर चुकी हैं सर्वे। कानपुर में आग से झुलसकर मां बेटी की मौत मामले में कार्रवाई, एसडीएम को किया गया निलंबित, लेखपाल हुआ गिरफ्तार। राहुल गांधी ने कहा बुलडोजर नीति सरकार की क्रूरता का चेहरा। दिल्ली के मित्राव गांव में श्रद्धा जैसा हत्याकांड, लड़की की हत्या का शव फ्रिज में छुपाया, आरोपी साहिल गिरफ्तार, पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की तैयारी, कई राजनीतिक दल कर रहे विरोध। गोरखपुर में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की ओपीडी सेवा का सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, 1 रुपए की पर्ची पर मिलेंगी मुफ्त दवाएं। यूपी में नकल कराते पकड़े जाने पर लगेगा एनएसए, सीएम योगी ने नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षाओं को लेकर दिए सख्त निर्देश, 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। एटीएस ने नकली नोट के तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर को पश्चिम बंगाल से किया गया गिरफ्तार। रामपुर से बीजेपी विधायक ने किया अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द करने की मांग, मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को मिली है 2 साल की सजा, विधानसभा के प्रमुख सचिव को आकाश सक्सेना ने लिखा पत्र। चित्रकूट जेल में निखत की सीक्रेट एंट्री के खुलासे के बाद अब्बास अंसारी की बदली गई जेल, चित्रकूट से कासगंज जेल शिफ्ट किया गया अब्बास, जेल नियमों के उल्लंघन मामले में कार्रवाई। ब्यूरोक्रेसी से नाराज सतपाल महाराज, अधिकारियों पर जानकारी नहीं देने का लगाया आरोप, आज कैबिनेट की बैठक में महाराज उठाएंगे मुद्दा। आज से शुरू हो रही है सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की क्लास की परीक्षाएं, 5 अप्रैल तक चलेंगे एग्जाम, देश में बनाए गए 7,000 से ज्यादा सेंटर्स। जी मीडिया पर बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा के खुलासे से हड़कंप, खुद को फिट दिखाने के लिए इंजेक्शन लेते हैं खिलाड़ी, सवालों के घेरे में बीसीसीआई। जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा का खुलासा, फिटनेस कप्तानी वाद और टीम सिलेक्शन पर कई बड़े खुलासे किए। चेतन शर्मा का दावा, टीम में फिटनेस का होता है फर्जी खेल, खुद को फिट दिखाने के लिए कई खिलाड़ी लेते हैं इंजेक्शन। कप्तानी वाद पर भी बोले चेतन शर्मा, कहा विराट को मैंने कप्तानी से हटाया, विराट को पसंद नहीं करते थे गांगुली। चेतन शर्मा ने टीम सिलेक्शन के नाम पर सेटिंग होने का भी दावा किया, बुमराह की चोट पर भी बोले चेतन, कहा अनफिट होने के बावजूद बुमराह को मिला मौका।